الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله محترم आज जुमे का दिन आए और 22 तारीख है शायद रमजान की, हो सकता है कि आने वाले जुमे में रमजान हो या न हो अल्लाह ही जानता है। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जुमे के दिन की खुसूसियात हैं और उन खुसूसियात की बुनियाद पर कि अल्लाह ने इस दुनिया की इब्तिदा और आबादी के लिए इस दिन की अहमियत को पेश किया, इसलिए इस दिन को सैयदुल अय्याम तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। और दुनिया में मुसलमानों को आम दिनों के एतबार से इस दिन को इसलिए खुसूसियत भी दी गई कि इसके अंदर दोहर की नमाज की 4 रकतों की जगह जुमे की नमाज की 2 रकतें हैं और 2 रकतों की जगह एक खुतबा है जो दिया जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम भी इस दिन का एहतमाम फरमाया करते थे और उसी एहतमाम के पेश नज़र आपने एक हिदायत उम्मत को फरमाई है, अपनी उम्मत को कयामत के दिन तक ख़ास तरीके पर जुमे के दिन एक हिदायत फरमाई है। आम तरीके पर मुसलमान उस हिदायत को जानता नहीं और अगर जानता है तो उसकी अहमियत को सामने नहीं रखता। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, आपको, अपनी सारी उम्मत को इस दिन के लिए 12 महीने, रमज़ान की खुसूसियत नहीं है, 12 महीने में उम्मत को हिदायत दी है, यानी मुतनब्बे किया है कि मेरे हक को अपने ऊपर पहचानते हुए अक्सरू अलैहिस्सलात यौमल जुमा, जुमे के दिन ख़ास तौर पर मेरे ऊपर सलात व सलाम और दुरूद ज़्यादा भेजा करो। इसका मतलब यही नहीं है, ये नहीं है कि और दिनों के अंदर न भेज कर सिर्फ जुमे को भेजो, नहीं, और दिनों में भी भेजो, रात और दिन भेजो, यानी मेरे लिए दुआ करो। सलात के माना दुआ के हैं। उम्मत को फरमा रहे हैं कि अपने साहिब उम्मत के लिए, तुम जिसकी उम्मत हो, उस रसूल के लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, दुआ किया करो। इस दुआ की ये अहमियत है कि नमाज के अंदर भी इस दुआ को रखा है। कायदे अखीरा के अंदर जब बैठते हैं तो अत्तहियात के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए, आपकी आल औलाद के लिए,
आपके सहाबा के लिए, सबके लिए, सारी दुनिया में हर ईमान वाला दुआ करता है। वो आपके फरमाने की बुनियाद पर करता है ये दुआ। किसी महीने या किसी दिन की तख़सीस नहीं है, बल्कि कोई भी दिन हो, आदमी कहीं भी हो, नमाज पढ़ता है तो आपके लिए दुआ करता है, यानी दुरूद पढ़ता है और बरकत की दुआ करता है। इसके लिए कोई खुसूसियत नहीं। लेकिन अल्लाह का नबी फरमा रहा है कि रमज़ान में खुसूसियत के साथ इकसार कसरत करो, ज़्यादा करो। जिसका मतलब ये है कि नमाज में तो करते ही हो, 12 महीने करते हो, सुबह शाम करते हो, वो अपनी जगह पर है। नमाज के बाहर ख़ास तरीक़े पर उठते बैठते चलते फिरते बैठे हुए लेटे हुए जितना कर सकते हो मेरे ऊपर दुरूद को भेजो, मेरे लिए, मेरी आल के लिए, मेरे अहले बैत के लिए, मेरे सहाबा के लिए दुआ करो। जो मोमिन इसका ख्याल रखता है, और हर एक को ख्याल रखना चाहिए, जब जुमे का दिन हो तो चलते फिरते उठते बैठते और दिनों के मुकाबले में कसरत के साथ। यह है मतलब। क्यों? इसलिए कि ये दिन सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है। इसलिए तमाम अंबिया व रसूल के सरदार को इस दिन, जो तमाम दिनों का सरदार है, भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उस सरदार के हक को पहचानना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। इसलिए कि हमारे पास जुमे के दिन का मिलना हमें इबादत के लिए, अल्लाह ने ये खुसूसियत इस उम्मत को दी है। दूसरी उम्मतें, किसी ने इतवार के दिन को पकड़ा, किसी ने, यहूद ने शनिचर के दिन को पकड़ा, इन दिनों के अंदर वो खुसूसियात नहीं है जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। वो खुसूसियात जुमे के दिन में है। अल्लाह ने अल्लाह के नबी और उम्मत के दिल में डाला कि तुम इस दिन को पकड़ो, और अल्लाह ने उनको हिदायत दी और उन्होंने जुमे के दिन को पकड़ लिया। इस जुमे के दिन की ये खुसूसियात है। उन्हीं खुसूसियात की वजह से ये हिदायत की गई है। आप अपना हक उम्मत पर जता रहे हैं कि तुम मेरे लिए कसरत से चलते फिरते उठते बैठते जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे लिए सलात व सलाम को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى। हम नहीं जानते आप जितना चाहें अपने हबीब को कितनी रहमतें भेजें उनके ऊपर। इसलिए कसरत के साथ इस दिन और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा। आज तो रमज़ान में जुमे का दिन है, लेकिन हमेशा के लिए इस चीज़ को अपने जहन के अंदर बैठालना चाहिए कि इंशाअल्लाह
जब तक जिंदा रहेंगे जुमे के दिन आने पर सफर हो, हदर हो, दुकान हो, खेत क्यारी हो, जहां भी हो, कसरत के साथ उनके हक को जानते हुए उनके लिए दुआ किया करो, यानी सलातो सलाम पढ़ा करो। ये आपके हुक्म का मतलब है और वो आपका हक है। कुरान ने हुक्म दिया है, ये इसकी अहमियत है सलातो सलाम की, कि अल्लाह भी उन पर रहमतें भेजते हैं, मलाइका भी रहमतें भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, यानी ऐ उनकी उम्मत वालों, तुम भी उनके लिए रहमतों की अल्लाह से दुआ करो। उनकी मोहब्बत अल्लाह के नज़दीक ऐसी है कि कुरान कहता है कि हम उनके ऊपर रहमतें उतारते हैं, और हमें फिर हिदायत देता है कि तुम अल्लाह की रहमतों की उनके लिए दुआ करो, उनका हक है। और मोमिन उनके हक को कहाँ तक अदा कर सकता है और कितना जान सकता है। हमारा ईमान, हमारा कुरान, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत, हमारा रोज़ा, हमारा नमाज, हमारी इबादत, हमारा हज, हमारा पूरा दीन अलिफ से लेकर या तक सब नबी करीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ है। सही है कि कुरान सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन किसने दिया कुरान, कुरान किस पर उतरा, किसने बताया हमको कि यह अल्लाह की किताब है। हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह की किताब है, मगर कैसे ईमान है, हमने तो अपनी आंख से देखा नहीं अल्लाह को उतारते हुए। लेकिन हमसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें ऐसा यकीन है आपकी जबान मुबारक से निकली हुई बात का जैसे हमने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। आपने हमें ये दीन अता फरमाया है, कुरान अता फरमाया है, हम हज करते हैं तो हज अता फरमाया है, हम उम्रा करते हैं तो उम्रा अता फरमाया। सर से पैर तक, अलिफ से ये तक, हम जितना दीन पेश करते हैं अपनी जिंदगी, अपने हाथ, अपने पैर, अपने दिल, अपने दिमाग से, वो सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है। यहाँ तक के इस दुनिया के बाद आखिरत, मौत, मौत के बाद कब्र, कब्र के बाद मैदान महशर में चलना और वहाँ हिसाब व किताब का होना, और उसके बाद सिरात, और उसके बाद हौज कौसर, और वहाँ से जन्नत। सारा दीन और सारा अकीदा दिया हुआ आका इनामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उनके इन एहसानात का बदला ये है कि हम हमेशा, लेकिन खास तौर पर इस दिन में जिसको जुमे का दिन कहा जाता है, जितना ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त हो, नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम के लिए सलातु सलाम को भेजा करें। ये उनका हमारे ऊपर हक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ख़ास तरीक़े के ऊपर इस दिन में आपके हुक्म के मुताबिक कसरत से अक्सरु अलैया सलात यौम अल जुमा होना चाहिए।
अब इसके बड़े फवायद हैं, इसके फवायद बहुत हैं, और उनमें से उलमा सूफिया ये फायदा करते हैं दुनिया में कि जो शख्स कसरत के साथ दुरूद और ख़ास तौर पर जुमे के दिन सलातो सलाम पढ़ा करेगा, इसकी तवक्को है कि अल्लाह ताला उसको ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार कराएगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और दुनिया में ये कुर्बत इंशाअल्लाह कब्र के अंदर सही जवाब देने और मैदान महशर में आपकी शफाअत हासिल करने का जरिया बनेगी। कब्र में सही जवाब क्या है? जो सवाल होंगे कब्र के अंदर वो सवाल है मन रब्बू का। पहला सवाल, बता तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा, वमा दीनू का, बता तेरा दीन क्या है, अकीदा क्या है। या और आगे बढ़िए, तेरा मजहब दुनिया के अंदर क्या था। दो सवाल। और तीसरा सवाल होगा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा हादल लदी बुइद, ये आदमी कौन है। बाद हजरात फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की मुबारक सूरत को पेश किया जाएगा। बाद हजरात कहते हैं कि मरने वाले की कब्र से लेकर नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की मुबारक कब्र तक जो ज़मीन है उसको हटा दी जाएगी, देखेगा कि आप आराम फरमा रहे हैं। तो अब जिसको दुनिया में आपसे मोहब्बत होगी, जो दुनिया में आपके हक को पहचानता था, जो दुनिया में आपके लिए अल्लाह से सलात व सलाम की दुआ किया करता था, वो तो फौरन देखकर पहचान जाएगा कि मेरा तो दिल दुनिया में इनसे अटका हुआ था, आज इनकी तस्वीर सामने आई है, ये वही दुआएं जिन पर मैं सलात व सलाम पढ़ा करता था। दुनिया का ताल्लुक कल आखिरत में कब्र से शुरू हो जाएगा। और जिसकी कब्र की मंजिल पास हो गई उसकी आगे की सारी मंजिलें आसान हैं। ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप के बारे में आता है कि जब किसी कब्र के ऊपर खड़े होते थे तो इतना रोते थे कि दाढ़ी तर हो जाया करती थी। तो लोगों ने पूछा कि आपसे जन्नत और जहन्नम का आपकी मजलिस में जिक्र होता है, आप नहीं रोते, कब्र पर खड़े होकर के इतना क्यों रोते हैं? तो आपने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। जिसकी ये मंजिल आसान हो गई, आखिर की सारी मंजिलें आसान हैं। इसलिए सबसे पहला मसला इस कब्र का है। यहाँ आकर खड़ा होता हूँ तो अपनी कब्र याद आती है कि खुदा जाने ये मंजिल आसान होती है या ये मंजिल आसान नहीं होती। इसलिए खुसूसियत के साथ आपके हक को पहचानते हुए
आपके एहसानात को जानते हुए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जुमे के दिन खास तौर पर सुबह से लेकर शाम तक जब भी मौका आ जाए, जब भी याद आ जाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआ यानी सलातु सलाम आपकी ज़ाते वाला सिफात और आपकी मुबारक जात पर बराबर भेजते रहना चाहिए। आखिरत के मराहिल के लिए ये चीज बहुत मुफीद है। और दूसरी चीजें भी मांगते रहो, ये नहीं है कि कोई चीज न करो। कुरान मत पढ़ो, पढ़ो कुरान को पढ़ो। आपसे साहिल ने सवाल किया, आपने हदीस के अंदर ये फरमाया है या साहिल ने, या रसूल अल्लाह मैं कितना अपने लिए मांगू हाथ उठाऊं और कितना आपके लिए रहमत मांगू यानी दुरूद पढ़ू। एक तिहाई फरमाया बहुत अच्छा है, और भी हो सकता है। पूछते 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 आखिर में ये आया कि अच्छा तो क्या सारा का सारा। फरमाया बहुत अच्छी बात है, अगर अपने लिए नहीं मेरे ही लिए मांगा करेगा, सब दुआ मेरे ही लिए करेगा, तो अल्लाह तो जानता है वो तेरी सारी जरूरतों के लिए मेरे लिए मांगना किफायत कर देगा। इसलिए जितना हो सके मांगो अपने लिए। मोमिन तो मांगने ही जिंदगी गुजर जाएगी, मांगते मांगते अल्लाह से। इसलिए भिखारी हैं हम तो भीख मांगते ही रहते, देना न देना ये उनका काम है, हमारा काम तो मांगना है। मांगने का एक तरीका ये भी है आपके फरमाने के मुताबिक कि इतना मांगो मेरे ही लिए मांगते रहो। अल्लाह जानता है कि तुझे अपने लिए क्या जरूरत है, मगर तू अपनी ख्वाहिश को, अपनी जरूरत को पीछे छोड़ करके मेरे हबीब के लिए दुआ कर रहा है, सलात सलाम कर रहा है। अल्लाह तेरी जरूरतों को भी इस ज़िम्न के अंदर पूरा फरमा दे। इसलिए मेरे भाई ये बड़ी आम चीज है, इसके बड़े फायदे हैं। दुनिया के फायदों के अंदर ये है कि यहाँ का ये ताल्लुक कल मौत के बाद कब्र में तो जो होगा होगा, मैंने कहा इसकी तवक्को है कि मैदान महशर में ये ताल्लुक नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत का जरिया बन जाएगा। और हम जैसे गुनाहगार लोगों के लिए आपकी शफाअत एक बहुत बड़ा सहारा है मगफरत का। अल्लाह जिसको आपकी शफाअत की सआदत वहाँ अता फरमा देगा उसके कश्ती इंशाअल्लाह पार लग जाएगी। बाकी भाई अपना काम करो, कुरान शरीफ पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन सलातो सलाम को भी और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ो। अल्लाह हमेशा हमारी तवज्जो इस तरफ रखे और हमेशा हमें कसरत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक को पहचानते हुए सलातु सलाम और दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अल वाहिद चैनल।